गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और फ़िलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ, और पिछली बार भी मैं दिल्ली आया था तब मैंने कुतुब मीनार और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। और अभी आज मैं दिल्ली आया हूँ तो आपको मैं जामा मस्जिद दिखा रहा हूँ। जामा मस्जिद नहीं आया था लास्ट टाइम में, तो इस बार सोचा कि जामा मस्जिद जाके आते। बस जामा मस्जिद आया हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो पूरा जामा मस्जिद। मैं दूसरी बार आया हूँ वैसे जामा मस्जिद में, बट लास्ट टाइम नहीं आया था मैं, उसके पहले आया था जब दिल्ली तब मैं आया था। और ऊपर देख सकते हो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समड़ी बोलते हैं गुजराती में। और अभी तो रिनोवेशन चल रहा है यहाँ पे, रिनोवेशन चल रहा है यहाँ पे तो। और ये हौज है पानी में हाथ में धोने के लिए। बहुत बड़ा एरिया है वैसे ये वाला। पर अभी गर्मी भी इतनी है, क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी गर्मी है, इतनी कितनी गर्मी होगी, आई थिंक 36-37 डिग्री होगी मेरे ख्याल से। और बस मेरे बाबा को मैंने दिया था कैमरा पकड़ने के लिए। तो अभी हम लोग अभी घूमेंगे अंदर थोड़ा सा जामा मस्जिद के अंदर। तो अच्छा सीन है यहाँ से भी। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, देखते हैं कैसा है अंदर से। वैसे यहाँ पे शूट करना मना है यहाँ पे, और मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ, मस्जिद को शूट नहीं कर रहा। तो अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर होगा तो फिर नहीं करेंगे शूट। तो चलो टाटा बाय बाय जामा मस्जिद को कर देते हैं। अभी जाते हैं हम लोग, लाल किला जाने वाले हैं तो लाल किला जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी नहीं जा पाए थे, अंधेरा हो गया था और बंद हो गया था तो हम लोग नहीं जा पाए थे लाल किला। इस बार मैं लाल किला एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो अभी लाल किला जा रहे हैं हम लोग। और ये पूरा मार्केट भरा हुआ है यहाँ सामने, और यहाँ अंदर जामा मस्जिद है। तो यहाँ पे पूरा बाज़ार हुआ भरा हुआ है जामा मस्जिद के बाहर। और मेरे पापा देखो क्या देख रहे हैं, खरीद कुछ खरीदना तो है नहीं उनको, और देख रहे कब से बहुत अच्छा मार्केट है वैसे। पूरा मार्केट खच भरा हुआ है। चले जाते हैं, ये वो सामने खड़े रहे, क्या देख रहे हैं। भाई साहब बड़ा गिलास 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, छोटा गिलास 5 रुपए,
पूछे बाबा पूछे फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लाल किला में। ये लाल किला है और अंदर जाने के लिए यहाँ पे कॉइन टोकन लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से टोकन मिलेगा, ऑनलाइन टोकन लेना पड़ेगा स्कैन करके। दो। तो अभी मैं खड़ा हूँ लाल किले के बाहर और यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है। स्कैनर पे भी आप टिकट ले सकते हो बट उसमें क्या सब डिटेल्स भरनी पड़ेगी, आपको डिटेल्स सब डालनी पड़ेगी। बट हमने टिकट ले ली यहाँ से, मैन्युअली भी मिलती है आपको 80 रुपये में मिलती है, आप ले लेना अगर स्कैनर काम ना करे तो। अगर आपको ऑनलाइन लेनी तो भी ले सकते हो अगर ज़्यादा रश हो तो। और यहाँ से कुछ एंट्री है, हम कबाई ले जाए तो पैसा नहीं भरे तो यही कबाई। ये पूरा लाल किला है, पूरा लाल किला। शाम है आ पाछड़ नो भाग छे आगे ये चढ़ाई करवा किला ऊपर। हाँ। पानी में पड़े थे लश्कर किला वो खाए रहा। और यहाँ पे कुछ पहले मैं नहीं दिखा पाया था, पहले मैं रात के टाइम पे आया था इसलिए नहीं दिखा पाया था, अभी आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे पानी भरा होता है पूरा, राजा महाराजा का लोग जब लड़ाई होती है ना तब यहाँ पे पानी भरा होता है, तो कोई चढ़ाई कर नहीं सकता ऊपर, किले तक चढ़ नहीं सकता कोई, इसलिए पूरा बनाया था इन लोगों ने। और हमें यहाँ सामने वाले गेट से जाना है आगे से, तो अभी फिलहाल वहाँ तक जाते हैं। पहले यहाँ पे रामलीला की तैयारी चल रही है तो पूरा मेला जगह लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें वहाँ तक जाना है, सामने सामने तक जाना है, बहुत दूर है भाई साहब। तो ये लाल किला आप देख सकते हो, ऊपर झंडा भी देख सकते हो आप अपने देश का। और यहाँ पे फनफेयर लगा हुआ है रामलीला के लिए, रामलीला होने वाली है यहाँ पे, तो पूरा डेकोरेशन किया है, वो वाला गेट बंद रखा है इन लोगों ने, वो वाला गेट बंद रखा है, तो पूरा घूम के आना पड़ा हमें। पहले यहाँ से रिक्शा किया 10 रुपये लेके, फिर वापस उधर से टिकट काउंटर से टिकट लिया और फिर यहाँ पे आए हम लोग, तो पूरा घूम के आए, चल के आए, थक गए बाबा। हेलो बाबा। तो गेट यहाँ से जाना है, सामने है गेट, हाँ तो बहुत एक्सरसाइज हो गई हमारी चल चल के, तो अभी अंदर जाएगी हम लोग। हाँ ऊपर थी। हाँ थोड़ा गुजराती आपको सुनने को मिलेगा, हम लोग जब नॉर्मल टॉक बात कर रहे होते ना तब। और ये देखिए कितना बड़ा गेट बनाया हुआ है रामलीला के लिए। यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, फिर अंदर जाके आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं।